एमपी की पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है। मध्य प्रदेश पुलिस की जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश में गुजरात आधारित नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने से 90% लोगों ने खुद को फेफड़ों के संक्रमण से उबार लिया है। पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बेचते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पकड़े गए लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए थे और इसके साथ ही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से मरने वालों का भी पता लगाया गया। लेकिन जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत ही चौंकाने और हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि नकली इंजेक्शन लेने वालों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा थी। गौरतलब है कि गुजरात से मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में निजी अस्पताल के संचालक सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन 4 में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी नकली रेमडेसिविर बेचने से जुड़े अन्य मामले में गुजरात में पुलिस की हिरासत में है।